से आप मेडिकल स्टोर आना पड़ा है मम्मी के किसी दवा लेने के लिए, क्योंकि उसका बुखार उतर नहीं रहा है और अब उल्टी भी कर रही है। फिर से दवा आना पड़ा लेने के लिए। इसका स्कूल का बस निकल रहा था, अब जो है हमको जल्दी 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 जगह के लेके जा रहा है कि जल्दी हम बच्चों को छोड़ दो। बस निकल रहा है इसका जल्दी में, अभी तक एकदम मुँह धोने एकदम थोड़ा मौका नहीं दिया है, आगे इतना तेज डरवा दिया ना कि भैया चल जल्दी छोड़ दे, बस निकल दिया स्कूल का। लेट नहीं हुआ है इनका, वो सब साथ में भी है। बस इसके स्टॉपेज निकल के थे लेकिन दूसरे स्टॉपेज के आसपास नहीं पहुंची थी, तो वहाँ पे लोग पहुँच गए थे लगभग 5 किलोमीटर के आसपास दूरी पे आ गए। सुबह सुबह 5 किलोमीटर बाइक चलाना बड़ा मज़ा आ गया, मतलब शुरुआत में तो हमने चले लेकिन कभी भी हमको ना बाइक में चलाने का या बैठ के जाने का कहीं मौका मिल जाए हम छोड़ते नहीं है, बहुत अच्छा लगता है बाइक को घूमने के लिए। वैसे अभी आ गए हैं सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या बनाओ अकेला, और जो ये सुबह सुबह का माहौल है 6 बजे के आसपास, इतना तगड़ा धूप, मतलब लग नहीं रहा है उतना तगड़ा धूप है लेकिन है। बाइक अपना और इधर का ये खेती बाड़ी वाला जगह, इसे हम लोग नौका कहते हैं, इधर मतलब खेती बाड़ी होती ज़्यादा, मतलब इधर आप चलते चले हमको 5-6 किलोमीटर तक, मतलब 5-6 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर के आसपास तो उधर गांव ही नहीं है, मतलब ऐसा इधर का जो है खेती बाड़ी। एक चीज़ तो अपनी बाइक में दिखाई नहीं थी, कल बाइक चलाते हुए छोटा भाई के साथ एक नुकसान हो गया, ये जो है ना इसका लॉक टूट गया, जो जिसमें एयर फिल्टर रहता है इसमें, इसमें जो लॉक होता है ना यहाँ का एक लोहा होता है, उस सड़ के टूट गया। अब ये चलाने में बड़ा दिक्कत दे रहा था, मतलब आवाज़ इतना ज़्यादा खड़ा खटखट खटखट ना। अब इसको भाई कैसे को रबड़ से बांध दिया है, ये लॉक बदलवाना होगा तो सारा लॉक बदलवाना होगा, लगभग 2000 के आसपास इसका कॉस्ट है, मतलब एजेंसी पूछे हम लोग। अब बात ये पड़ी कि और एजेंसी में ये लॉक है भी नहीं अभी, जो बक्सा एजेंसी है, तो वेट करें कि जब तक एजेंसी में लॉक नहीं है तब तक ऐसे इसको बाइक चला जाए, ज़्यादा कहीं लेके घूमा ना जाए, मतलब कहीं बाहर लेके ना जाए जहाँ इसको खड़ी करनी पड़े। मतलब बदलेगा लॉक तो सारे जगह बदलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 जगह लॉक बदलेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम डर रहे हैं इसको कहीं ले जाने में, मतलब कहीं ले जाके बाहर घूम खड़े करने में। बाकी सब लोग ठीक है निकलते हैं घर में, नहीं तो अब डांट पक्का फोन आ जाएगी, अब तक बस नहीं आई या बस पहुँचाए नहीं, क्योंकि चाय मम्मी बना के रख चुकी है, दोबारा बनाएगी नहीं बोलेंगे तो। चलते हैं घर पे, मिलते हैं, मिल गया चाय गिलास भर के, आधा गिलास से ज़्यादा। अपना सुबह सुबह का नाश्ता मिल गया, ब्रेड यहाँ पे, पपड़ी गीली हुई पपड़ी, हम लोग साइड बहुत फेमस है, मिठाई बहुत अच्छी लगती है मिठाई, ये अपना ब्रेड इतना सारा। आप लोग एक वीडियो देखे इफ्तारी पार्टी वाला, जो हम लोग इस द्वार पर गया था, हम सजाए थे अच्छा खासा, अगर इस कोई लोग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो जाके वीडियो पक्का देख ले। ये वीडियो देखने के बाद हम लोग क्या किए थे उस दिन ना, कि मुसलमान भाई लोग को जो इफ्तारी पार्टी देते हैं उस दिन हम पापा दिए थे, लगभग 200 लोग आए थे, 200-250 लोग के आसपास आए थे, और उस दिन जो रिस्पॉन्स मिला था पापा को ना, या जो मतलब जो लोग इज्जत दिए थे उस दिन, मतलब नज़र के सामने जो हम लोग देख रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था, सब लोग आके सलाम वलाम दुआ वो सब दे रहे थे। जैसे कि वीडियो में कुछ लोग कमेंट में भी मतलब किए हैं कि बरकत होगी, मतलब वर्ड कुछ समझ नहीं आया लेकिन मतलब समझ में आ गया था, तो वैसे ही अगर वीडियो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक रहेगा, देख लेना पक्का, हम लोग बहुत अच्छा लगा उस दिन, और मतलब उसके बारे में बोल के नहीं बता सकते उस दिन कैसा अनुभव फील हुआ था, वो वीडियो देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसा अनुभव फील हुआ होगा। वैसे आज मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी आराम कर रही है, मूवी देख रही है, कहीं जमीन पे ही सोती है, ठंडा करती है कि ठंडा रहता है गर्मी टाइम जमीन, अच्छा चश्मा आया तो ऐसे मूवी देखती है, लगता है कि एकदम बूढ़ी दादी वहाँ है। मूवी के टाइम नो डिस्टर्बेंस, जो भी कितना भी फालतू कोई बात कर ले रिप्लाई नहीं देगी जब मूवी देखेगी तो, वैसे बहुत कम देखती है मोबाइल वोबाइल या मूवी, टीवी तो हम लोग के चलते ही नहीं, बस टंगा हुआ है ऐसे बंद किया गया है, लेकिन जब उसके हाथ में मोबाइल मिल जाएगा, जब उसके पास खाली समय रहेगा तो मूवी बहुत अच्छा देखती है, पुराना पुराना ओल्ड मतलब जो 90s टाइम वाला। अभी तबीयत खराब है उससे आराम करे तो शाम दे दिए मोबाइल देखने के लिए मूवी हुई, अभी तबीयत खराब रहता तो आ गए थे यहाँ पर मेडिकल स्कूल लेने के लिए दवा, ये इस मेडिकल से ऐसे मुंह बांध के आए थे, बाइक को बहुत ज़्यादा लू लग रहा था, वेट करें अपने थाना बगल में पापा का, तो पापा आ रहे बक्सर से गए थे काम से एक जगह, उसको सब आ रहे, वो मतलब बाइक से इस टाइम जाना है बक्सर बहुत बेकार है, इतना ज़्यादा लू चला ना, तो ज़्यादा बेहतर है कि बस से चले गए थे, अब ये थाने पास बैठ के वेट कर रहे हैं, पाएगी बस रुकेगी तो लेके जाएंगे पापा घर। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है उतनी खासी, क्योंकि मतलब दवा खाना पड़ रहा है, अब सुबह मुँह लग रहा है ये लू लग गया है मम्मी को, मतलब जितना जगह कपड़ा है तो शरीर पर उतना है तो ठीक है, लेकिन ये सब जो हाथ होता है ना जल गया है, एकदम जल रहा है अच्छा खासा।
मुझे पूरा अंदाजा, इतना बड़ा कोई लौका देखा नहीं होगा। ये लौका है, इसको लोग रखे हैं कि इसको सुखा के इसमें बिया निकाल के नया पौधा लगाने के लिए, लेकिन देखा जा सकता कितना बड़ा लौका है। हमको लगा कि अगर जब ये अच्छा खासा होगा तो 10 किलो के आसपास का वेट होगा, अभी भारी, अब तो हल्का हो गया, अब तो ऐसे ही उठ जा रहा है, ऐसे ही उठ से इतना बड़ा लौका। वैसे आप मेडिकल स्टोर आना पड़ा है मम्मी के किसी दवा लेने के लिए, क्योंकि उसका बुखार उतर नहीं रहा है और अब उल्टी भी कर रही है, इसे दवा आना पड़ा लेने के लिए। और रह रहा कि हर टाइम एक ना एक कैप्सूल बढ़े जा रहा है, एक दोपहर में ले गए थे, दो आप फिर लेके जा रहे हैं और एक और ले जाना है। और बुखार इतना उतर नहीं रहा है, जैसे कि गर्म पट्टी कहते हैं ना, पानी वाली पट्टी, उससे भी नहीं उतर रहा बुखार, उतर रहा चढ़ जा रहा फिर से ऐसे ही करके। आज मम्मी की तबीयत खराब है ना, इस वजह से मम्मी को मना कर दिया हम लोग कि खाना ना बनाए। वो जिद तो कर रही है कि खाना बनाएंगे हम ही, लेकिन क्या किया ना कि आके पहले ही आटा सानने की तैयारी सब कर ली है, जा रहे हैं आटा सानने। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि पहली बार घर में कोई खाना अलग बना रहा होगा मम्मी को छोड़ के, नहीं तो ऐसे वही हमें सब बनाती है। और देख सकते हैं कैसा सर्कल हो गया मम्मी का हाल चाल, एकदम एकदम मतलब फिट नहीं है। चलते हैं सानते हैं आटा, आटा और अंडा की भुजिया वो खाएंगे हम लोग, मम्मी रोटी और दूध। आटा वाटा तो सान लिए, अब बात है कि क्या खाने को मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अंडा भुजिया मंगा लीजिए दुकान से, और ये रोटी बना खा लीजिए, और मम्मी के लिए रोटी और दूध। मम्मी बना कर एक खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन उसको जोशी का कुछ ना कुछ खिलाना होगा, तबीयत सही नहीं होगा ना उसका। अब पहली बार घर में बनाया ना खाना, बड़ा वो होता है कि रोटी जल ना जाए, क्योंकि हलसन तो जल जाती है और यहाँ पर गैस है, तो इस वजह से थोड़ा बचने का चांस है। और ना सुनने पापा से कुछ डांट टूट, नहीं तो कहेंगे कि तुम क्या हस्तम बनाते खाते हो, इसी वैसे डर लग रहा है उस चीज़ का। चलो सब चीज़ ठीक है, अब निकलते हैं, बोलते हैं छोटे भाई से जाए ना लाए सब अंडा उंडा खाने के लिए।